डेकोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन जितना इम्पोर्टेंट है उतनी ही इम्पोर्टेंट है हमारे घर की क्लीनिंग जो कि हमें डेली बेस पर करनी होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा स्टाइल कॉर्नर। मैं पूजा इस चैनल पर ऐसी चीजें शेयर करती हूँ जो आपसे और आपके घर से जुड़ी हुई है। किचन हमारे घर का ऐसा हिस्सा है जिसे हर दिन क्लीनिंग की जरूरत होती है। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे किचन क्लीनिंग टूल्स शेयर करने वाली हूँ जो आपकी क्लीनिंग को आसान कर दे। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। किचन को क्लीन करने के पहले आप एप्रिन जरूर पहन लें। बिना एप्रिन के किचन तो क्लीन हो जाएगा बट आपके कपड़े खराब हो जाएंगे और ऐसा आप चाहोगे नहीं। इस घर में अलग से यूटिलिटी एरिया नहीं है जिसकी वजह से किचन सिंक में ही बर्तन वॉश करने होते हैं, तो जैसे ही गंदे बर्तन थोड़े भी सिंक में इकट्ठे होते हैं मैं वॉश कर देती हूँ ताकि सिंक भरे नहीं, जिसकी वजह से मेरे हैंड बहुत ही ज्यादा रफ हो रहे थे। तो ये मैंने मंगवाए हैं सिलिकॉन हैंड ग्लव्स। तो चलिए हम देखते हैं ये यूजफुल है भी या नहीं। नॉर्मल बर्तन तो इससे अच्छे से वॉश हो रहे थे बट टफ स्टेन और चिकनाई नहीं हट रही थी। वॉश करते टाइम स्क्रब बार बार फिसल रहा था और तो और इन्हें पहनने के बाद बर्तन धोना बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल रहा। इससे आपके हाथ तो बच जाएंगे पर काम बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगा। इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। बर्तन वॉश करने के बाद आप किचन सिंक की हालत तो देख ही सकते हैं। जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे तब इसकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब थी। अब कंडीशन चाहे जैसी हो इसे तो हमें क्लीन करना ही है। सिंक को बाहर से क्लीन करना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है अंदर से क्लीन करना। सबसे पहले आप इस टाइप की छन्नी का यूज करें ताकि ब्लॉकेज ना हो। ये प्लास्टिक की है, आप स्टील की भी ले सकते हैं। यहाँ आए जब से सिंक ड्रेनेज बार बार ब्लॉक हो रहा था, अब हर बार प्लम्बर को बुलाना तो पॉसिबल नहीं है। सो मार्केट में आपको इस टाइप के ड्रेनेज क्लीनर मिल जाएंगे। अब गर्म पानी में मिक्स करके भी इसे डाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसे इस तरह से सिंक में डाल दूंगी। इस पाउडर को आप हाथ से टच ना करें अदरवाइज आपको हाथों में इरिटेशन हो सकती है। इसके बाद हम डालेंगे गर्म पानी और आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये प्रोसेस आप रात को करके भी छोड़ सकते हैं, ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सुबह तक आपका ड्रेनेज एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हमारा ड्रेनेज तो क्लीन हो गया, अब बारी आती है सिंक की। सिंक को क्लीन करने के लिए आप इस टाइप के ब्रश का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको दोनों साइड पर ब्रिसल्स मिल जाएंगे। सबसे पहले आप सिंक में कोई भी क्लीनिंग लिक्विड डाल दे। यहाँ पर विम लिक्विड था सो मैंने उसे ही यूज किया। बस आपको अच्छे से बड़े साइड के ब्रिसल से इसे रगड़ना है। इसका डिजाइन इस तरह का है कि ये सिंक के होल में अच्छे से क्लीनिंग करता है। छोटी साइड के ब्रिसल से आप कॉर्नर भी अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। मुझे तो ये ब्रश काफी पसंद आया, आपको ये लोकल मार्केट में भी इजिली मिल जाएगा। ब्रश का काम तो हो गया, अब मैं यहाँ फिर से ग्लव्स का यूज कर रही हूँ। इससे आप सिंक तो अच्छे से क्लीन कर पाएंगे बट बर्तन वॉश करने के लिए मुझे ये उतना अच्छा नहीं लगा। आप सिंक की चमक देख सकते हैं, ये बढ़िया से क्लीन हो गया है। लास्ट में आप इस टाइप के स्लिक वाइपर का यूज कर सकते हैं। इसका डिजाइन इस तरह का है कि ये पानी को बहुत ही अच्छे से वाइप आउट कर देगा। मार्केट में आपको अलग अलग टाइप के एक ही चीज मिल जाएगी, बस आपको स्मार्टली चूज करना है जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं वो सच में काम करेगा या नहीं। इस वीडियो से आपको जरूर हेल्प मिलेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना। नेक्स्ट क्लीनिंग प्रोडक्ट की बात करें तो मुझे लगता है ये हर घर में जरूर ही होना चाहिए। मेरे पुराने किचन टूर वीडियो में मुझे काफी कमेंट आए, आपका किचन इतना क्लीन कैसे रहता है। वेल, किचन को क्लीन करना हम सबका डेली का काम है। मैं अपने किचन को क्लीन करने के लिए किसी नॉर्मल कपड़े का यूज नहीं करती, मैं यूज करती हूँ स्कॉच ब्राइट के स्पॉन्ज वाइप। ये आपको एक पैक में चार वाइप्स मिल जाएंगे और ये एक वाइप एटलीस्ट आपको 3 महीने चलेगा, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। इसके एक स्वाइप से आप किसी भी प्रकार की गंदगी क्लीन कर सकते हैं। यू कैन सी ये जो वाइप मैं यूज कर रही हूँ इसे 2 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। खाना बनाते वक्त बहुत सी ऐसी चीजें काउंटर टॉप पर गिर जाती है जिसे क्लीन करना तुरंत पॉसिबल नहीं है बट ये इसे इजिली क्लीन कर देगा। और इसे क्लीन करना भी इजी है, इसको सिंपली पानी से इस तरीके से धोना है।
जस्ट आपको इसे मोड़ना नहीं है, बस निचोड़ना है, डेट्स इट। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो इसे मैं आपके सामने फर्स्ट टाइम यूज करूंगी, लेट्स सी ये कितना काम करता है। डेली बेस पर हम नॉर्मली तो गैस स्टोव को क्लीन करते हैं और ये क्लीन लगता भी है, पर वाकई में ये क्लीन है भी? आप देख सकते हैं यहाँ गंदगी जमा हो रही है। मैंने इस टाइप के क्लीनिंग ब्रश मीशो से ऑर्डर किए, इसमें मुझे 3 ब्रश मिले हैं। फर्स्ट इसमें ब्रास के ब्रिसल्स हैं जो कि काफी हार्ड है, एक है स्टेनलेस स्टील का और दूसरा है नायलोन का। मैं यहाँ ये ब्रास का ब्रश यूज करूंगी, बस थोड़ा सा पानी लगाकर इसे इस तरीके से रगड़ना है। गैस स्टोव के स्विच के आसपास की गंदगी क्लीन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, देखते हैं ये इसे क्लीन कर पाता है भी या नहीं। वाओ, इसने तो काफी गंदगी यहाँ से निकाल दी है और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट रहा। ये तो मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया, बस आपको वीक में एक बार जरूर यूज करना है और मुझे नहीं लगता अब आपका भी किचन गंदा होगा। और आप दोनों स्विच में डिफरेंस तो देख ही सकते हैं। पानी की बॉटल्स को कभी कभी क्लीन करना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है, सो मैंने ये डीमार्ट से एक सिलिकॉन बॉटल क्लीनिंग ब्रश लिया है, सिर्फ 79 रुपीस का है। चलिए इसे भी देख लेते हैं ये कितना काम करता है। ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, जो भी प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ सबके कोड लिंक जो भी मिलेगा मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके सिलिकॉन ब्रिसल्स काफी सॉफ्ट है और लेंथ भी काफी बढ़िया है। मैंने यहाँ ली है ग्लास बॉटल, इसमें डालेंगे विम लिक्विड एंड थोड़ा सा पानी और इस तरह से घुमाते हुए इसे क्लीन करना है। सिलिकॉन ब्रिसल्स सॉफ्ट होने की वजह से मेरी ग्लास बॉटल पर कोई भी स्क्रेच नहीं आया और इसने इसे काफी हद तक क्लीन कर दिया। मुझे लगता है ये प्लास्टिक बॉटल पे भी सेम वर्क करेगा। मुझे ये प्रोडक्ट काफी पसंद आया, गो फॉर इट। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा और आप अपने किचन को बहुत अच्छे से क्लीन और ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल बटन को भी प्रेस कर दे ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।